अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज प्रॉब्लम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम्स। सो वी हैव अ क्वेश्चन, डिटरमाइन द रिएक्शंस आर वन एंड आर टू ऑफ द बीम इन फिगर लोडेड विद द कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 1600 पाउंड एंड ए लोड वेरियंग फ्रॉम जीरो टू एन इंटेंसिटी ऑफ 400 पाउंड पर फीट। अच्छा जी, तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले तो हम इस फिगर को थोड़ा गौर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्यों है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें क्या क्या क्यों है और क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हमें 1600 पाउंड फोर्स गिवन है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये वेरिंग लोड है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये 400 पाउंड पर फीट है, और उसके बाद हमने R1 और R2 इसका रिएक्शन फाइंड करना है। अच्छा जी, तो हम अब इस तरह करते हैं कि इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इस फर्स्ट पार्ट को आप लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए ड्रा किया है इधर, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं तो इस ट्रायंगुलर शेप पर भी रिएक्टिव फोर्स लगते हैं, जिसको मैंने R3 और R4 नाम दिया है। ठीक है, इसके जिस पर यहाँ पर R3 फोर्स लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर R4 लगेगा, जो कि मैंने इधर ड्रा किया है। देखो इधर, तो सबसे पहले मैं इन दो फोर्स को फाइंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायंगुलर शेप की वजह से इस बीम पर भी फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, ये देखो, जो हम बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो इस ट्रायंगुलर शेप लोड की वजह से इस पर ये रिएक्टिव फोर्सेस लगेंगे। तो हम R1 और R2 को फाइंड करने के लिए ये रिएक्टिव फोर्सेस भी हम लेंगे और कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमने इन फोर्सेस को लेना है, इसको कंसीडर करना है। तो अब हम इन R3 और R4 को फाइंड करने के लिए इस तरह करते हैं जिस तरह हमने पूरी पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ रखे, ट्रायंगल में हम रिजल्टेंट किस तरह फाइंड कर रहे थे। ठीक है, इसका रिजल्टेंट इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है, एरिया के बराबर, और इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया क्या है, हाफ बेस बाय हाइट, लेंथ बाय वेट। अच्छा जी, तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस R4 पॉइंट पर मैं मूवमेंट फाइंड करके देखता हूँ, और मैंने मूवमेंट यहाँ पर क्या लिया है, मैंने मूवमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। तो दूसरी बात यह कि जब मैंने ये फाइंड कर लिया, दूसरी बात यह कि यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, ठीक है, लेंथ किस तरह गिवन है, ये वाला ट्रायंगुलर जो लेंथ है ये 12 है, ठीक है, ये 12 है। इसका रिजल्टेंट जो होगा ना, रिजल्टेंट वो इस एंड से इसके मिड तक कितना लेंथ होगा, 2/3 L/A होगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें पता भी है, पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था। और जब आप इस एज से आओगे, ऊपर से यहाँ तक आओगे इस एज से, तो वो लेंथ कितना है, वो 1/3 लेंथ है, ठीक है, ये आप लोग सीख लो। अगर हम बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो लेंथ यहाँ पर कितना होगा, लेंथ यहाँ पर 2/3 होगा, और हम टॉप से नीचे की तरफ आएंगे तो रिजल्टेंट की तरफ जो लेंथ होगा वो 1/3 लेंथ होगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम मोमेंट 8.4 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या मोमेंट, मोमेंट 8.4 पे कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, देखो इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो इस तरफ मोशन करेगा क्लॉक वाइज, तो इस वजह से मैंने पॉजिटिव लिया, क्लॉक वाइज को मैंने पॉजिटिव लिया। फिर माइनस, देखो इस पॉइंट पर ये इस तरह जाएगा, रिजल्टेंट जो है ना वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क पैदा करेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन पैदा करेगा, तो इसमें यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किस चीज़ के बराबर, मैंने आप लोगों को अभी बताया, इस ट्रायंगुलर रिजल्टेंट इसके एरिया के बराबर होगा, जो कि है हाफ 12 × 400 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि मैंने ये वाला आर कंसिडर नहीं किया क्योंकि इसी पॉइंट पर लग रहा है, तो इसका डिस्टेंस ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने इसके बाद क्या किया कि इन वैल्यूज़ को इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट किया, इस साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है, इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट हुए, तो ये देखो अब 12 R3 इज इक्वल टू 4 × 12 × 400, तो फिर नीचे अगले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, R3 को जो फाइंड करेंगे तो 12 उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 9600 / 12, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास R3 की वैल्यू 800 पाउंड आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि R3 हमारे पास फाइंड हो गया, अब हम R4 फाइंड करेंगे। R4 फाइंड करने के लिए हम मोमेंट R3 पे लेते हैं, फाइंड करके देखते हैं हमारे पास फिर R4 की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम यहाँ पर मोमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मोमेंट लेंगे, एक मिनट में ये थोड़ा साफ कर दूँ। अच्छा जी, अब जब हम यहाँ पर मोमेंट लेंगे, अब हम R3 पे मोमेंट लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें R4 फाइंड करना है, और ये दो वैल्यूज हमें चाहिए R1 और R2 को फाइंड करने के लिए। अब हम जब R3 पे मोमेंट लेंगे तो देखो R4 इस तरफ मोशन लगा रहा है, तो ये एंटी क्लॉक को स्टार पे लगा रहेगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है, और ये डिस्टेंस भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 + 4 कितना, 12 - 12 R4 + देखो
अब मैं मोमेंट यहाँ से ले रहा हूँ ना, देखो मोमेंट यहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं आर का ये वाला डिस्टेंस लूँगा जो कि 8 है, ठीक है ये बात सीख लो। मैंने 8 यहाँ पे इसलिए लिखा है, और फिर उसके बाद हाफ, ये हाफ है, ये 12 नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हाफ 12 × 100, यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा, ठीक है ये मुझसे हो गई। अब जब हम क्या करते हैं, आर फोर को फाइंड करते हैं, आर फोर इक्वेशन के उस साइड पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आर फोर को फाइंड करने के लिए वैल्यू, ये एरिया की वैल्यू 12 पे डिवाइड हो जाएगी, देखो यहाँ पे हुआ है। फिर ये कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर, कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आर फोर क्या आएगी, 1600 पाउंड, ठीक है ये आपके आर फोर की वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट के साथ ये वैल्यू क्यों लिए फोर, ये आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने फोर की वैल्यू क्यों ली। देखो यहाँ पर रिजल्टेंट के साथ फोर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एड किया है, ये क्यों किया है आप लोग आता है बताओ। अच्छा ये मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पर मोमेंट में आर फोर पे फाइंड कर रहा था, तो जब आर फोर पे फाइंड कर रहा था तो ये मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, रिजल्टेंट आर फोर के साथ जो डिस्टेंस बना रहा है, तो वो था यहाँ पर 4 फीट। और यहाँ पर मैंने 8 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर रिजल्टेंट में आर थ्री पे फाइंड कर रहा हूँ, यही मोमेंट यहाँ पर मोमेंट में आर थ्री पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो फिर उसके साथ रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस बनता है वो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर 8 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिया है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर 8 है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेटर के जरिए जो करते हैं यहाँ पर 1600 आते हैं। ये तो वैल्यूज तो हमारे पास फाइंड हो गई। अब हम आते हैं मेन वैल्यूज की तरफ, जो हमसे क्वेश्चन में मांगी गई है, वो कौन सी वैल्यूज है, वो आर वन है और आर टू है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं पहले मोमेंट एट आर टू फाइंड करता हूँ, ठीक है। जब मोमेंट एट आर टू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखो आर वन इस पे, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लॉकवाइज। अच्छा जी, तो ये वैल्यू ज़रा आपने सर टिक कर लिए, साइन मैंने थोड़ा गलत लिखे थे, अभी टिक कर लिए ये वाले साइन। देखो यहाँ पर इस मोमेंट आर टू पे पहला आर रिएक्टेंट जो फोर्स लगाएगा वो क्लॉकवाइज होगा इस तरफ, जब क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं, मैंने पहले नेगेटिव लिखा था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 1600 पाउंड ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो इसको मैंने नेगेटिव लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि कितना है, 1 × 12, 1 + 12 = 13 है, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर थ्री, ठीक है माइनस आर थ्री मल्टीप्लाई बाय 12 जो डिस्टेंस, आर थ्री हमने फाइंड किया था वो कितना था 800, तो 800 × 12, और फिर ये आर फोर जो है ये इसी पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है इस पे मूवमेंट जीरो हो जाएगा। ये फिर इक्वेशन जीरो के इक्वेट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज में इक्वेशन के इस साइड पे ले आऊँ तो ये प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू 16 R1। फिर आर वन को फाइंड करने के लिए इनको इक्वेट करके ये 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर वन की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1900 पाउंड। सिमिलरली इसी तरह जब हम आर टू को फाइंड करेंगे तो मूवमेंट आर वन पे कंसिडर करेंगे। अब जब हम आर वन पे मूवमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है, एक मिनट मैं थोड़े साफ करता हूँ। अच्छा जी ये दूसरे पेन से ड्रॉ करके देखो जो हम मूवमेंट इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, ठीक है इस पॉइंट पे आर पे, तो हमारे पास पहला फोर्स ये 600 पाउंड आ जाएगा इस तरह। जब ये आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 3, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आर 3 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 4 है, 3 + 1 से 4 आता है, सही है। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद ये वाला आर फोर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितना है, 16 है, तो 16 R4 हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये आर टू भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेशन बना रहे थे, तो इसके साथ मैंने पॉजिटिव लिख लिया कि आर टू जो है ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव की वैल्यू लिखी है। सिमिलरली जब हम इसको आर टू को फाइंड करते हैं वो इक्वेशन के इस तरफ हम लाएंगे इसको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, फिर दोनों साइड 16 पे डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि हमने आर टू फाइंड करना है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड 16 पे डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर 16 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आर टू इज इक्वल टू 33,600 / 16, तो हमारे पास आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2100 पाउंड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मैंने आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके के साथ किया है, मूवमेंट से ही फाइंड किया सब कुछ, f(x) और f(y) वाले इक्वेशन यूज़ नहीं किए क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस मूवमेंट से ही सब कुछ निकाला है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इंजीनियरिंग में गेम्स के प्लेलिस्ट में इस तरह की और भी वीडियो ऐड होती रहेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।